फली बात की सभी शोर की शुरू होती है एक सेठ से भाई, जिस सेठ के पास एक बंदा लेटर यहाँ पे पहुंचा के गया था। लेटर में लिखा होता है एक बड़ा कमाल का ना को तुमको आइटम वाइटम यहाँ पे मिलेगा, तुमको चाहिए तो आके ले लो। तो वांग गाई नाम का एक टावर यहाँ पे था, उस टावर के पास यहाँ पे बुलाया गया था। वो लीडर अपने बंदे से पूछता बता यार ये टावर कहाँ पर है, तो बताया जाता है वांग गाँव नाम का एक टाउन यहाँ पर है, और टाउन बहुत ही बड़ा यहाँ पर है, बहुत ही फेमस यहाँ पर है और ढेर सारे लोग आते जाते रहते हैं वहीं पर टावर यहाँ पर है। जो सुनते ये लीडर कहता अच्छा मैं समझ गया, मुझे लगता है खाली मुझे नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे को लेटर भेज कर बुलाया गया है, हम ढेर सारे मेंबर वहां पर आएंगे, जैसे ढेर सारे लोग यहां पर आएंगे ना वो सबके सामने वो आइटम लाएगा और बोलेगा भाई ये लो आइटम, जिसके पास ज्यादा पैसे ना वो पैसा बोलो और ले लो। जो सुंदर बंदा बताता पैसे, अरे पैसे के मामले में जो हमारा सेठ ना वो किसी से कम नहीं है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही पैसा हमारे पास है, बस मुझे हल्का सा शक कहीं जिस बंदे ने लेटर यहां पर दिया वो बंदा अजीब होगा। एक सेकंड यार, यार मैं अपने बंदे लोग को भेजता हूं और जो बंदा ने जिसने लेटर दिया है उसको पकड़ाता हूं, अभी रास्ते में होगा। जो सुंदर बंदा कहता है अपना लीडर कहता है काफी लेट यहां पर हो गया, अब तक बंदा यहां से काफी दूर जा चुका रहेगा, उस पे ध्यान देने से अच्छा। 3 दिन बाद उसने बुलाया ना, 3 दिन बाद मैं जाके चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली कौन यहाँ पर है और क्या वो आइटम यहाँ पे बेचना चाहता है। अगर वो आइटम ठीक ठाक रहा मैं ले लूंगा, उसको छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ यहाँ पर रहा ना यार उस बंदे के कह के ले लूंगा। तो 3 दिन बाद का शीन शुरू होता है, उस सिटी में जो टावर था ना टावर के बाहर आ जाता है तो एक और सेठ यहाँ पे था, उस सेठ का जो लीडर यहाँ पे था भाई जिसका नाम है उसको ही अपना लीडर देखता है और कहता मिस्टर भाई अभी तुम यहाँ पर हो, तुमने लेटर यहाँ पे भेजा क्या? वो भी कहता पागल आदमी है क्या, मैं बोला लेटर यहाँ पे कह को भेजूंगा, मुझे भी लेटर यहाँ पर रहता है, लेटर में भी सेम बात है यहाँ पे लिखी हुई है, जो मास्टर कॉन्ग है ना मास्टर कॉन्ग से रिलेटेड कोई कमाल का आइटम यहाँ पर है, तो मैं भी चेक करने यहाँ पर आ गया, तुझे भी लेटर यहाँ पर आया, तो मुझे लगता है कि हम दोनों के अलावा भी ना और बंदे लोग को लेटर आया होगा। चलो टावर के अंदर, जैसे टावर में जाते ना दो बंदे और यहाँ पे थे, वो दोनों भी अपने सेठ के लीडर यहाँ पे थे। ये नोटिस करता है कि बोले हमारा जो अलायंस ऑफ नेशन यहाँ पर है टोटल यहाँ पे 27 देश यहाँ पर आते हैं और 27 देश में ना 27 सेठ यहाँ पर आता है, तो 27 सेठ में से जो 4 सबसे बड़े सेठ ना हमारे सेठ वो हमारे सेठ को यहाँ पे लेटर भेजा, या जो भी बंदा यहाँ पर होगा ना हिम्मत वाला यहाँ पे था 27 सेठ में जो सबसे 4 बड़े थे ना उनको भेजा। बाई चांस आइटम कुछ बेकार या खराब निकल गया ना हम सब उसकी जान भी निकाल सकते हैं, लगता उस बंदे को मरने से डर नहीं लगता। फिर वो बुड्ढा यहाँ पे आ जाता जिसने लेटर यहाँ पे भेजा था और कहता है हेलो हेलो हेलो, तो आप सभी को मैं यहाँ पे बुलाया और लेटर में जो मैंने बातें लिख के दी थी ना एग्जैक्टली उसी बातों के लिए मैंने बुलाया। ये लोग कहते हैं लेटर में तूने ये लिखा था जो मास्टर कॉन्ग यहाँ पर है ना मास्टर कॉन्ग से रिलेटेड कोई सामान यहाँ पर है, तुझे आइडिया भी है मास्टर कॉन्ग कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है अब तक सबसे बढ़िया सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे बढ़िया नोटे टीचर यहाँ पे माने जाते हैं, तो जाहिर सी बात उनके बारे में तो झूठ नहीं बोल सकता। ये भी कहता मैंने कोई भी झूठ यहाँ पे नहीं बोला, और रही बात कौन सा आइटम यहाँ पर है उनके हाथों से लिखा हुआ ना नोट मेरे पास है, जैसे लोग ने लोग चौंक जाते क्या उनके हाथों से लिखा हुआ नोट यहाँ पर है, नो वे तो झूठ बोल रहा तेरे पास कैसे आएगा। ये कहता नहीं मैं बताता हूँ, हमारे जो सेटर यहाँ पे थे ना मिंग शेंग उनका यहाँ पे नाम था जिन्होंने बहुत पहले ना मास्टर कॉन्ग की जान बचाई थी, और जैसे जान बचाई थी मास्टर कॉन्ग यहाँ पे खुश हो गया, खुश होकर ना उन्होंने इनाम दे दिया ये लोग भाई मेरे हाथों से लिखा हुआ ये क्या बोलते हैं हैंडराइटिंग। जैसे बाकी सब लोग सुनते ना वो लोग कहते हैं नो वे यार ऐसा कैसे हो सकता है, माई शेंग ना हमने उनके बारे में सुना वो मास्टर कॉन्ग के ना डिसाइपल हुआ करते थे, वो जैसे जान बचाई थी ना तो मास्टर कॉन्ग ने उनको अपना डिसाइपल विसाइपल यहाँ पे बना था और बहुत सारी टेक्निक सिखाई गई थी, और ऐसा माना जाता है कि मास्टर कॉन्ग के बाद ना वो दूसरे सबसे बढ़िया कमाल के नोटे टीचर यहाँ पे हुआ करते हैं, और आज ना उनके डिसेंडेंट दुनिया भर में यहाँ वहाँ ढेर सारे फैले हुए, तो पक्का उनके डिसेंडेंट हो क्या? अगर तुम उनके डिसेंडेंट यहाँ पर तो सच्ची में यार हम तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, बताओ यार वो हाथों से लिखा हुआ जो नोट है ना वो देने के लिए तुमको क्या लगेगा, मतलब तुमको क्या चाहिए? जो सुंदर बुड्ढा कहते मैंने कोई बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पे नहीं है, दो ही छोटी कंडीशन है, सबसे पहली बात है मैं मोटर ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम पीक लेवल पर आ चुका हूँ और कई साल से मेरा लेवल अप नहीं हुआ, अगर लेवल अप नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा बहुत ही जल्दी, हाँ तो मैं चाहता हूँ एक तो भाई तुम मेरा लेवल अप करवाने में सपोर्ट कर दो, और सेकंड एक बंदे की जान यहाँ पे निकालना है, और जान निकलवाने के लिए क्या बोलते हैं भाई तुमको जाके जान निकलवाना पड़ेगा, अटेंशन मतलब जिस बंदे की जान निकालना है ना वो बस मोटर ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड लेवल पर है, तो बोलो जो मेरे ये दोनों काम पूरा कर देगा ना मैं उसको नोट टीचर का ये दूंगा भाई हाथों से लिखा हुआ नोट। जो सुनते जो लीडर यहाँ पर आया था सबसे पहले वो बताता केवल हाँ तो ये जो काम है ना छोटा काम यहाँ पर है आपका लेवल अप करवाना ना 80% यहाँ पे चांसेस है कि आपका लेवल अप हो जाएगा, रही बात किसी को मरवाना है हम वो मरवा डालेंगे उसका भी कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा लीडर यहाँ पे कहता है कि एक सेकंड यार लेवल अप करवाना ना वो तो हम भी करवा सकते हैं, किसी को मरवाना ना हम भी मरवा सकते हैं, तुम कौन होते हो भाई करने वाले, हम करेंगे ये काम। तो तीसरे किंगडम का बंदा कहता भी चाहिए तो हम भी सामने से मार सकते हैं, एक काम करो भाई हम आपको मार के भी देंगे, आपका लेवल अप कराने में भी सपोर्ट
इंक्लूड यहाँ पे करेंगे। और क्या बोलते हैं आपको ना भाई, जो चीज़ चाहिए ना भाई, हम मोस्ट पैसे वैसे भी एक्स्ट्रा यहाँ पे दे देंगे, और साथ ही में क्या बोलते हैं हम आपको सेट के ना एल्डर भी यहाँ पे बना देंगे। एक बंदा कहता है, चौथा वाला भी कहता है, यस यस ये सब हम आपको देंगे, प्लस ना 100 स्पीचर स्टोन भी अलग से यहाँ पे देंगे। ये भी कहता है आराम से आराम से आराम से, मैं जिस बंदे को मरवाना चाहता हूँ ना, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, स्पेशल आइडेंटिटी वाला बंदा यहाँ पर है। क्या एक नोटेड टीचर यहाँ पर है, तो जैसे लोग सुनते हैं कहते हैं भाई एक नोटेड टीचर यहाँ पर, हम नया नया नोटेड टीचर यहाँ पे बनाए, ऐसा मत बोलो तुम जांग के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हो। क्या ना नोटेड टीचर को जहाँ से मानो कोई छोटी बात नहीं होती, एक बड़ी बात यहाँ पर होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता, उनको मारा जा सकता है, लेकिन भाई क्यों तुम उसको क्यों मरवाना चाहते हो, क्या दुश्मनी यहाँ पर है? तो ये बताता क्या दुश्मनी यहाँ पर है। अरे उस आदमी ने मेरे किंगडम का ढेर सारे लोगों को मारा, मेरा जो पूरा किंगडम है ना, मेरा पूरा किंगडम यहाँ पे बर्बाद कर दिया। अगर आपको याद होगा बहुत पहले किंगडम यहाँ पे था, जिसने हमारा मेकटा का जो डिसाइपल यहाँ पे था, एक लड़का, उसको चोट पहुंचा दी थी, जो अभी तक कोमा में, हमारा मेकट उसको होश में लाने के लिए लगा पड़ा है, उसका बदला लेने के लिए किंगडम के राजा को मारा था, प्रिंस को मारा था, ये उसका ही एक बंदा यहाँ पर है। एंड में फाइट हुई थी लेकिन ये भाग गया था, तो ये वही बुड्ढा यहाँ पर है। जो सुन एक लीडर यहाँ पे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से मैं समझ गया, लेकिन यार तो वो नोटेड ईयर यहाँ पर, नोटेड ईयर को मारना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर होती है। जो सुनते अपने ये लीडर रहता है वो कहता है, हाँ कोई छोटी बात नहीं होती लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता, अगर हमने डिसाइड कर लिया मारने का तो हम मार सकते हैं, आसानी से मार सकते हैं। मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया, हम मारने नहीं जाएंगे, तुम ही मारने जाओ, हम तुमको हेल्प करेंगे तुम्हारा लेवल अप करवाने के लिए, जैसे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा ना, तुम जाके यहाँ पे अपना बदला ले सकते हैं। बाकी सब लोग कहते हैं वाह यार क्या आइडिया यार, हमारे दिमाग में आइडिया कहीं को नहीं आया। तो ये बुड्ढा कहता है आइडिया बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरा लेवल अप भी हो जाएगा ना तो भी शायद मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। जो सुन दो लीडर कहता है, तू टेंशन कहीं को लेता भी, तू हरा सकता है, हमारे पीछे से सपोर्ट करने को तैयार। ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई कर देना सपोर्ट, और क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। देखते भाई सच्ची में क्या सब लोग मिलकर हमारे जांग के पीछे पड़ जाएंगे, और पड़ जाएंगे तो क्या जांग कैसे खुद को बचाएगा, वो भी देखने में मजा आएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।